छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारे में ईडी कार्रवाई को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार अपने हिसाब से परेशान करने के लिए इसे इस्तेमाल कर रहा है। एक साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, कार्रवाई को लेकर भाजपा की ओर से जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अमित साहू ने संयुक्त में कहा कि ईडी के छापे ने छत्तीसगढ़ में हो रहे बड़े भ्रष्टाचारों की पोल खोल कर रख दी। हम सब ने कभी सोचा भी नहीं था कि कांग्रेस के शासन में आम जनता की मेहनत का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएगा। एक तरफ सरकारी योजनाओं को देने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ वरिष्ठ नौकरशाह, व्यापारी, राजनेता बिचौली जुड़े हैं, तो राज्य में कोयले से प्रतिदिन 2 से 3 करोड़ रुपए जबरन वसूले जा रहे हैं। ईडी के प्रेस नोट का हवाला देते हुए बताया कि करीब 4 करोड़ रुपए की नकदी, सोने के आभूषण, 2 करोड़ का सामान जब्त किया है। जहाँ भाजपा की सरकार नहीं है और जहाँ सरकार सुचारू रूप से चल रही है, तो भाजपा अपना हथियार डायरेक्ट मैदान से नहीं लगा पा रही, तो कहीं ना कहीं अपने जो तंत्र है, चाहे वो ईडी हो चाहे आईटी हो, उनके माध्यम से हमारे प्रदेश के, जहाँ जहाँ संचालित हमारी सरकार हो रही है, वहाँ के नेताओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। प्रदेश के सारे नेता और पत्रकार और जनता के बीच में सौम्या चौरसिया का जो मामला था वो गहराया हुआ था और ईडी का छापा पड़ता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ईडी के छापे में करोड़ों रुपया नकदी मिलना और करोड़ों रुपये के आभूषण मिलना, ये एक मामूली बात नहीं है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता होने के नाते हम लोगों की ये जवाबदारी है कि इस बात को हम जनता तक गंभीरता से पहुंचाएं।